समुपस्थित जिज्ञासु आत्माएं, आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन क्या मिली थी? आजादी। तो क्यों नहीं पर्युषण पर्व के दूसरा दिन है, आज हम अपनी आजादी की चर्चा करें। स्वतंत्रता के गीत भी हम गाते हैं, स्वतंत्रता का ध्वजा भी हम फहराते हैं, और हम ये सब चाहते हैं। हर व्यक्ति स्वतंत्र बनना चाहता है। इस धरती पर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कि जो कैद में रहना चाहता है, बंधन में रहना चाहता है, चाहे वह पशु हो चाहे वह मानव हो। लेकिन प्रश्न है, क्या हम स्वतंत्र हैं? मेघ कुमार के मन में भी यही प्रश्न उठा और भगवान महावीर से प्रश्न किया कि मुझे असली आजादी चाहिए, असली स्वतंत्रता चाहिए। और मेघ कुमार ने प्रभु से प्रश्न पूछा कि मैं ऐसे वैसे स्वतंत्रता नहीं चाहता, मैं असली स्वतंत्रता चाहता हूं, असली सुख चाहता हूं, जिसे आप मोक्ष सुख कहें या स्वतंत्रता कहें या शाश्वत सुख कहें, कुछ भी कह सकते हैं। इसी प्रश्न को लेकर के मैं प्रभु महावीर के सामने प्रस्तुत होते हैं और प्रभु महावीर से कहते हैं, प्रभो तवोपदेशेन ज्ञातं मोक्ष सुखं मया, व्यासेन साधनानस्य ज्ञातुमिच्छामि संप्रतम। प्रभो, आपके उपदेश के द्वारा मुझे ये ज्ञात हो गया कि असली सुख जो है वह है मोक्ष सुख। लेकिन ऐसा कौन सा साधन है जिस साधन के द्वारा मैं उस असली सुख को प्राप्त कर सकूं, उस मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकूं? प्रभु ने बात सुनी और प्रभु ने कहा कि साधना के, अस्तित्व की यात्रा के और सत्य के साक्षात्कार के लिए बहुत कुछ सूत्र है, लेकिन मैं आज कुछ सूत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि तुम उसको हृदय से सुनोगे तो असली सुख तुम्हें मिल जाएगा। महावीर ने मेरे को कुछ सूत्र बताए और आप भी यदि मेघ बनकर के सुनेंगे उन सूत्रों को, तो वो सूत्र आपके लिए भी कार्यकारी सिद्ध होंगे। सिर्फ भगवान ने मेघ के लिए ही वो आंसर नहीं दिया, अभी तो हम सबके लिए वो आंसर दिया है कि असली सुख का उपाय क्या, मोक्ष सुख का उपाय क्या। तो प्रभु ने कहा, मोह की ग्रंथि के भेदन की प्रक्रिया का निर्देश देते हुए प्रभु ने सबसे पहले कहा, यदि असली सुख पाना है तो मोह की ग्रंथि का भेदन करना पड़ेगा। और मोह की ग्रंथि का भेदन कैसे हो, उसका छेद कैसे हो, उससे पहले हमें चर्चा ये करनी है कि वो ग्रंथि बनाई किसने। जब तक उस जंजीर को बनाई किसने, उस दुख को क्रिएट किसने किया, उस मोह की और राम और द्वेष रूपी ग्रंथि को बनाया किसने, जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक ग्रंथि भेदन की प्रक्रिया भी समझ में नहीं आएगी। बात सही है। वो प्रश्न ये है, मैं आपसे ही पूछूं, क्या वो राम द्वेष की ग्रंथि आकाश से मेहमान बन के आपके द्वार पर आई? स्वयं नहीं बनी। क्या वह दुख नेबर ने, पड़ोसियों ने, आसपास के लोगों ने क्रिएट किया? किसने क्रिएट किया? जब तक ये बात
बात अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे कि राग और द्वेष की ग्रंथि, मोह की ग्रंथि मैंने ही क्रिएट की है, तब तो आशा है उसको भेदने की। और जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम ये स्वीकार करेंगे मैंने नहीं बनाई, उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा रिएक्ट किया। यदि वो ऐसा नहीं कहता तो शायद मैं ऐसा रिएक्ट नहीं करता, यदि वो ऐसा नहीं कहता तो मैं ऐसा आंसर नहीं देता। जब तक हम इस बात को स्वीकार करेंगे तब तक ग्रंथि भेद की कोई आशा नहीं। लेकिन हम इस बात को स्वीकार करें कि ग्रंथि किसी और ने नहीं बनाई, अपितु ग्रंथि मैंने ही क्रिएट की है, मैंने ही चैन बनाई है, तब कहीं आशा की किरण देखने को मिलेगी कि हाँ दुख मुक्त भी हुआ जा सकता है, मैं दुख मुक्त बन सकता हूं। कहानी है एक किसी लोहार की। स्वतंत्र जी मुस्कुरा रहे हैं। लोहार जो अपना एक कारीगर था, बर्तन बनाया करता था, काफी अच्छे बर्तन बनाता और उसकी प्रशंसा, उसकी प्रसिद्धि, उसकी प्रतिष्ठा खूब दूर दूर तक शहरों में, गांवों में फैल गई। अब जब कोई भी काम अच्छा होता है तो व्यापार भी अच्छा चलता है, और काम यदि ब्रांडेड, कोई भी चीज ब्रांडेड बेचता है तो काफी लोग माल को खरीदते हैं, तो काफी लोग उस माल को खरीदते थे और उस लोहार की प्रशंसा, मानो था लोहार लेकिन नगर सेठ जैसे उसकी प्रशंसा फैल गई सब जगह। एक दिन ऐसा आया कि जिस राज्य में वह लोहार रहता था उस राज्य पर किसी दूसरे राज्य ने अटैक किया, आक्रमण किया, और उस आक्रमण में उस लोहार की राजधानी, राज्य ही चपेट में आया, और आतकाई लोगों ने, डिक्टेटर लोगों ने, जो भी प्रसिद्ध ख्यातिनामा व्यक्ति थे उन सबको बंधन में डाला, सबको कैदी बनाया। जब सभी प्रसिद्ध लोगों को कैदी बनाया, अमीर लोगों को कैदी बनाया, तो उसकी चपेट में कौन आ गया? वो लोहार भी उसकी चपेट में आ गया। लोहार के हाथों में हथकड़ियां डाली और के लोगों ने इसको बहुत दूर तक ले गए, बाहर, गांव के बाहर, बाहर एक खड्डा खोदा और उस लोहार को उसके अंदर डाला। फिर भी लोहार बिल्कुल शांत रहा, कुछ भी नहीं बोला। आपका ही लोगों ने सोचा है ये कैसा आदमी है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, कितना शांत है। हमने इसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी और इसको यहां नीचे गिरा दिया, गड्ढे में डाल दिया कि बाहर नहीं आएगा, या तो कोई निकाले तो अलग बात है, नहीं तो प्राण इसके जाएंगे, कोई राम राम सत्य होगा, इसको कोई बाहर निकालने वाला नहीं। उसके बावजूद भी इतना शांत, तो लोगों से रहा नहीं गया और उन लोगों ने पूछा, अरे तुम इतने शांत क्यों हो? जब ये सुना तो और मुस्कुराने लगा। कहते हैं किसी ने एडवाइस दी है, दो लाइन में बहुत सुंदर एडवाइस दी है, यदि उस एडवाइस को आप भी फॉलो करो तो काफी समस्या सॉल्व हो सकती है। साइलेंस इज द बेस्ट आंसर फॉर ऑल क्वेश्चंस, स्माइलिंग इज द बेस्ट रिएक्शन इन ऑल सिचुएशन। उसने दोनों शस्त्रों को स्वीकार किया, पहले चुप रहा और उसके बाद में जब कहा तो चुप क्यों है तो बोला नहीं, अभी तो क्या करने लगा, मुस्कुराने लगा, क्योंकि मन में सोच रहा था कि जिस बंधन में मुझे बांधा गया है, जिस बेड़ियों में मुझे झकड़ा गया है, मैं तो लोहार हूं, कारीगर हूं, मैं बेड़ियों को बनाने वाला हूं, इसलिए मेरे तो दाया हाथ का खेल है, इस बेड़ियों को मैं खो दूंगा जब लोग चले जाएंगे। तो लोगों ने इसको डाल के वहां पे चले गए, लोगों ने सोचा कि मर जाएगा एक दिन, और ये सोच के वहां से चले गए। जब लोग चले गए वो बड़ा खुश हो रहा था, संतोषी था, और सोचा कि बस अब मैं अपना काम करूंगा, बेड़ियों को खोल करके मैं स्वतंत्र बन जाऊंगा। लेकिन किसी भी बंधन को तोड़ना है तो हम लोग क्या देखते हैं सबसे पहले, कि कमजोर कड़ी कौन सी,
कि कमजोर कड़ी कौन सी, जरा मैं देखूं और जो भी कमजोर कड़ी होगा तो उसको थोड़ा टाइट जोर लगा करके उसको मैं खोल दूंगा। लेकिन जब वो खोलने लगा, एक ही कड़ी को देखता है, सारी कड़ियां इतनी मजबूत, इतनी स्ट्रांग कि खोलने का कोई चांस ही नहीं। अचानक उसकी दृष्टि कड़ी के किनारे पर साइड में लिया, जहां पर साइन किए हुए थे। और उसकी आदत थी, उस लोहार की आदत थी कि कोई भी सामान बनाता तो सामान पर वो क्या करता, अपना स्टाम्प लगाता, अपनी मोहर लगाता। जैसे ही उसने देखा कि अरे ये स्टाम्प किसकी, मेरी, तो कड़ी किसने बनाई, लोहार ने, मैंने, और मैंने ही कड़ी बनाई और मैं इस कड़ी में फंसा हुआ हूं। क्या उस लोहार की तरह हम भी नहीं है? हम स्वयं कड़ियां क्रिएट करते हैं और उसमें फंस जाएंगे, उसमें फंसते जा रहे हैं। और सारी आंखों की ब्राइटनेस जो थी वो डार्कनेस में बदल गई। रोने लगा, चिल्लाने लगा, हाय भगवान, अपने हाथों से स्वयं ही बंधन में फंस गया। जब उदास हुआ, हताश हुआ, तो भीतर से आवाज आई, और भीतर से आवाज आई, अरे तो कड़िया बनाने में इतना माहिर है, इतना होशियार है, तो क्या कड़िया तोड़ने में तो माहिर नहीं? और जैसे ही भीतर से आवाज आई और उसका शुद्ध शौर्य जग गया, जो आशा लौट गई थी, वो आशा लौटी हुई आशा वापिस आ गई, और उसने वही जोर लगाया, कड़ियों को तोड़ दिया। बंधुओं, हम भी चाहे कड़ियों को बनाने में बड़े स्ट्रांग है, तो चाहे तो उस लोहार की तरह हम भी क्या कड़ियों को खोल सकते हैं। और वो कड़ियों को तभी खोल सकते हैं कि जो हमने राग और द्वेष की बड़ी जंजीरें बनाई है, जो ग्रंथियां बनाई है, जो गांठें बनाई है, उस गांठों में कहीं अपने साइन देखें, अपने हस्ताक्षर देखें कि कड़िया मेरे द्वारा ही बनाई गई है, किसी और के द्वारा नहीं, ये दुख मैंने ही क्रिएट किया है, किसी और ने नहीं। और यदि हम ये कर लें तो उस कड़ियों को खोल सकते हैं। पर्युषण पर हमें प्रेरणा देता है कि इन कड़ियों को तोड़ने के लिए, पर्युषण पर हमें प्रेरणा देता है स्वदोष दर्शन की, कि स्वदोष खुद के दोष देखें, स्वयं के दोष देखें, किसी और के दोष ना देखें। आज जिस दिन हम स्वयं के दोष दर्शन करना प्रारंभ कर देंगे, उसी दिन से हमारी शाश्वत स्वतंत्रता, असली स्वतंत्रता की यात्रा प्रारंभ होगी। बंधुओं, प्रतीक्षण प्रति पर हम अपना लेखा चुका करें। न जाने कितनी कड़ियां हम क्रिएट करते हैं, कितनी ग्रंथियां हम बनाते हैं। हम बोल रहे हैं, एक कड़ी नई कड़ी बना रहे हैं। हम चल रहे हैं, एक नई कड़ी बना रहे हैं। हम चाल चल रहे हैं किसी के साथ, या मन में भी प्लान कर रहे हैं, तो नई कड़ी बना रहे हैं। 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स, और 24 घंटे में आप भी ये सोचते होंगे कि जब जब हम जाग रहे हैं कभी कभी कड़ियां बना रहे हैं, ग्रंथियां गूंथ रहे हैं। ऐसा नहीं, जागृत अवस्था में जितनी हम जंजीरें ग्रंथियां क्रिएट कर रहे हैं, सुप्ता अवस्था में उतनी ही जंजीरें हम क्रिएट कर रहे हैं। बंधुओं, जागृत अवस्था में हमें किसी के प्रति घृणा है, और सोए हुए स्वप्न भी देख रहे हैं कि उस व्यक्ति के प्रति मेरी घृणा है, उस व्यक्ति के प्रति मेरी ईर्ष्या है, तो कर्म बंधन में कोई अंतर नहीं। करना, कराना और अनुमोदन करना मन से, वचन से और काया से। काया से यदि आप कुछ कर रहे हो, या मन से भी आप सोच रहे हो, चाहे जागृत अवस्था में चाहे सुप्त अवस्था में, कर्म बंधन का खाता बराबर है। इसीलिए प्रतिक्रमण में
हमारा जो नियम है कि रात को जब पूरे सोकर के उठते हैं, साधुओं के लिए स्पेशल नियम है, सवनी जी के लिए भी नियम है कि रात्रि में भी स्वप्न भी लिया है, रात्रि में भी करवट भी बदली है और कोई दोष लगा है, सूर्योदय से पहले प्रतिक्रमण करना जरूरी है, मिच्छा विक्रम करना जरूरी है। और दिन की एक्टिविटी में यदि कोई भी दोष लगा हो तो सूर्यास्त के बाद में हम प्रतिक्रमण करते हैं। जब आप पोषक करते हैं, पोषक में भी आप ये कहते हैं कि एक दिन के लिए साधु बन जाते हैं, जैसे कल चार पोषक हुए और एक दिन के लिए साधुत्व का स्वाद चखा, तो उन लोगों ने भी प्रतिक्रमण किया, सुबह भी प्रतिक्रमण किया और सायंकालीन भी प्रतिक्रमण किया। प्रतिक्रमण का बड़ा महत्व है। तो कहने का मतलब है कि रात्रि में ये कहा जाता है कि यदि आपके खाने का त्याग है, चाहे तिलिया त्याग है चाहे चौबिया त्याग है, और रात्रि में किसी पार्टी में जाकर के खाना खा लिया, तो उसका प्रायश्चित लेना चाहिए, उसका दंड लेना चाहिए, क्योंकि त्याग में भंग हो गया। आपके त्याग है, स्वप्न भी देखा आपने तो भी दोष लगा। तो जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में प्रतिपल हम कड़ियां बांध रहे हैं, जंजीरें बांध रहे हैं, और न जाने कितनी ग्रंथियां हमने क्रिएट कर ली हैं, और प्रतिदिन वो ग्रंथियां क्रिएट करते जा रहे हैं और हमारी आत्मा भारी बनती जा रही है और रूप बदल गया। स्वतंत्रता ऐसी थोड़ी ना प्राप्त होगी। मान लो आपके पास में एक चुन्नी है या साड़ी पहनी हुई है और हर दिन साड़ी में गांठ लगा देते हैं हर दिन, और 360 दिन होते वर्ष के या 365 दिन होते हैं, हर दिन एक गांठ लगाओगे तो आपकी साड़ी का रूप वही रहेगा या बदलेगा? आपकी चुन्नी का वही रूप रहेगा या बदलेगा? बदलेगा नहीं रहेगा? बदलेगा। यदि आपको कोई कहे कि देखो और कुछ मत करो, एक काम करो, एक केजी का वो वेट लो और एक केजी का वेट हर दिन आपके सिर पर बांधो, हर दिन एक केजी का वेट बांधना है, और 365 दिन साल में होते हैं, कितना भार हो जाएगा? कितना भार? थोड़ा थोड़ा बहुत तो भार होगा या ज्यादा होगा? थोड़ा। और दूसरे वर्ष में भी वापस 365 दिन एक एक केजी का भार बांधो, वेट अपने सिर पे बांधो, और 10 वर्ष 50 वर्ष फिर तो वहां से चल भी सकोगे क्या? चल भी सकोगे? न जाने कितना भार से आप लद जाओगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा हर दिन हर पल हर क्षण एक्शन के साथ रिएक्शन होता है, और न जाने शरीर के लिए आत्मा के चारों तरफ कर्मों की जंजीरें लटकी हुई हैं और कितने भारी बने हुए हैं, कितने भारी बने हुए हैं कि आत्मा का स्वभाव है स्वतंत्रता के साथ ऊर्ध्वगामी होना। आत्मा का लक्षण है, चेतना का लक्षण है ऊर्ध्वगामी होना, लेकिन हम जमीन पे टिके हुए हैं, हमारी ताकत है। यदि हम निर्भर हो जाएं, यानी कर्मों से हल्के हो जाएं, थोड़े कर्मों को कम कर दें, ताकि आत्मा का जो चेतना का जो लक्षण है ऊर्ध्वगामी होना, तो हम भी आकाश में उड़ान भर सकते हैं। और उड़ान भरने के लिए ये पर्युषण आता है। जब जब हम कर्मों से भारी हो जाते हैं तो प्रभु ने एक ऐसा विधान बना लिया, संवत्सर एक दिन कम से कम भूले भटके वापिस घर पे लौटा, और उत्तरवर्ती आचार्यों ने उस एक दिन को 8 दिन के रूप में मनाने के लिए व्यवस्थित कर दिया, ताकि कर्मों की जंजीरें इतनी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है वो भार एक दिन में भार से रहित नहीं हो सकते हैं। यदि उसको रहित करना, उसको हल्का करना है, आत्मा को कर्मों से पृथक करना है, तो उसमें कुछ जुझारू वृत्ति से लड़ना होगा और उतरना होगा। तो पर्युषण पर हमें प्रेरणा देता है निर्भार होने की, अंतिम उड़ान भरने की, यानी मोक्ष सुख में भी उड़ान भरनी है तो सबसे पहले उन
जंजीरों को तोड़ना होगा। और उन जंजीरों को तोड़ने के लिए हमारे तत्व ज्ञान की भाषा में दो शब्द आते हैं, संवर और निर्जरा। बहुत बार सुना है आपने, नौ तत्व हैं, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा बंध और मोक्ष। नौ तत्वों में दो तत्व ऐसे हैं, संवर और निर्जरा, जो आपको कर्मों से हल्का बना सकते हैं। संवर का मतलब है कि कर्मों के आने के द्वार को रोकना, बंद करना, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, राइट? क्योंकि भीतर में जो बड़ा कचरा है उसको भी साफ करना पड़ेगा। जैसे आपने सामायिक की, अभी सामायिक पचकाई, और कहा सर्वम सावज्जम जोगम पचक्खामि, एक मुहूर्त के लिए पापकारी प्रवृत्ति का त्याग, आपने कहा त्याग है, ये क्या हो गया? संवर। अब बाहर से तो कचरा नहीं आएगा, लेकिन भीतर में जो कचरा भरा पड़ा है, यदि उसको साफ करना है, यदि उसको निकालना है, तो उसको निकालने के लिए भी स्वाध्याय जरूरी है, फिर तपस्या जरूरी है। जैसे भी प्रवचन सुन रहे हैं आप, तो ये सब साधन है निर्जरा के। तो कम से कम ऐसा नहीं कि त्याग कर लिया, काफी लोग करते हैं, आज फास्ट है, उपवास है, चलो दिन कैसे कटेगा, एक फिल्म देख लेते हैं, कहते हैं नहीं कहते, और कहते हैं स्वामी जी दिन कैसे कटेगा, अब उपवास पचक लिया खाना नहीं, वो तो ठीक संवर हो गया, लेकिन फास्ट बाद में उसके साथ क्या कर रहे हैं? यदि प्रतिक्रमण नहीं किया, यदि स्वाध्याय नहीं किया, यदि रिलीजियस एक्टिविटी नहीं की, तो और भी कर्मों को काउंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? साथ में क्या है, कर्मों का भी आवागमन हो रहा है, उसके साथ में यदि कोई शुभ प्रवृत्ति और एक्टिविटी की, तो क्या होगा, कर्मों की निर्जरा होगी। तो प्रभु ने कहा कि हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो भगवान महावीर मेघ को संबोधित करते हुए कहा कि मोक्षाभिलाषे संवेग धर्म श्रद्धास्ति तत्फलम वैराग्यं च ततस्तस्मात् ग्रंथि भेदे प्रजायते। बहुत सुंदर समाधान दिया प्रभु ने, कहा कि मोक्ष की अभिलाषा है, जिसके मन में मोक्ष की इच्छा है, उसके लिए क्या होना चाहिए। एक सूत्र दिया प्रभु ने, और इतना स्ट्रॉन्ग सूत्र दिया, और वह सूत्र है संवेग। जब तक उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए भीतर में संवेग पैदा नहीं हुआ, संवेग यानी, संवेग यानी तड़प, कोशिश। शाब्दिक अर्थ करें तो संवेग यानी सम्यक वेग इज फोर्स। यदि किसी भी ग्रंथि का भेद करना है तो हमें फोर्स चाहिए, राइट, पावर चाहिए। तो संवेग का मतलब ये शाब्दिक अर्थ है वेग, फोर्स। और यदि और ज्यादा कहें तो मोक्ष की उत्कृष्ट आकांक्षा, अभिलाषा, वैराग्य, भीतर में आस्था इतनी वेगपूर्ण पैदा हो कि निसंदेह ग्रंथियों को तोड़ दे। यदि यहां की भाषा में कहूं, आपकी भाषा में कहूं, तो मैं ये कहूंगी हरिकेन आता है, राइट, हरिकेन आता है तो कितनी स्पीड में हवा होती है पर आवर? 100 माइल्स, 40 माइल्स भी होती है, कभी कभी 30 माइल्स भी होती है, राइट, कभी 20 माइल्स भी होती होगी, लेकिन 100 माइल्स होती है तो कितनी तबाही करके जाता है, करके जाता है, नहीं जाता है। तो जैसे हरिकेन बाहर की तबाही करता है, ठीक वैसे ही भीतर में कर्म रूपी जो कचरा भरा पड़ा है, उसके लिए संवेग फोर्स चाहिए। वो फोर्स सामान्य नहीं, कैसा फोर्स? हरिकेन जैसा, 100 माइल्स पर आवर, 100 माइल्स जैसा वेग, जो फोर्स चलता है वैसा फोर्स चाहिए, तभी कहीं जाकर के हम ग्रंथि का भेद कर सकते हैं, अदरवाइज हम ग्रंथि का भेद नहीं कर सकते। बंधुओं, समस्या ये है कि व्यक्ति धर्म स्थल पर आता है लेकिन मोक्ष की अभिलाषा पैदा नहीं होती। वह सुनता भी है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके शरीर पे भी बूंद भी लगती या नहीं लगती। और जब तक वो वेग पैदा नहीं होगा,
रियलिटी में मोक्ष की अभिलाषा हमारे भीतर में पैदा ही नहीं हुई। सम्यक्त्व के पांच लक्षण है और सम्यक्त्व के पांच लक्षण में एक लक्षण है संवेग। और आपको याद होगा पिछले पर्युषण में जब हमारे डिस्कशन किया था ग्रुप डिस्कशन और आलोक जी ने बहुत अच्छा सजेस्ट किया था एक सब्जेक्ट कि एक क्षण में सम्यक्ति कैसे बने, यही तो था सब्जेक्ट, याद है क्या किसी को? याद है सम्यक्ति कैसे क्या सम्यक्ति कैसे बने? सम्यक्ति कैसे बने? नहीं नहीं उसके साथ ये भी था शायद एक क्षण में सम्यक्ति कैसे बने और हमने टाइटल दिया कि दिशा बदली दशा बदली, राइट? तो वो एक क्षण में सम्यक्ति बन सकता है लेकिन कब? जो 100 माइल्स का वेग ऐसा सम्यक पैदा हो भीतर में, ऐसी मोक्ष की अभिलाषा पैदा हो तब सम्यक्त्व का स्पर्श भी हो सकता है। नास्ति नहीं लेकिन बंधुओं वैसा संवेग नहीं, वैसा आचरण नहीं, वैसी क्रिया नहीं कि जैसा कहते हैं कि एक बार एक कपल चर्च में गया और चर्च में प्रेयर चल रही थी, सैकड़ों लोग प्रेयर में मस्त थे और जैसे ही प्रेयर संपन्न हुई और बाहर निकले एक कपल था तो पत्नी ने पति से पूछा, अजी आपने देखा कि मेरे सामने बेंच के सामने एक औरत बैठी हुई थी, एक महिला बैठी हुई थी, उस महिला का सूट कितना सुंदर था, कितना बढ़िया था। पति मौन भाव से सुनता रहा। उसने कहा आपने देखा क्या उसका जो टॉप था कितना डिजाइन, बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन की थी, उसका पर्स तो बिल्कुल ब्रांडेड था। पति कुछ नहीं बोला, क्या आपने देखा नहीं? पति ने कहा हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, लगता है मुझे झटकी आ गई, मिस तंद्रा आ गई, नींद आ गई। तो उस पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा क्या चर्च में इसलिए आते हो नींद लेने के लिए, इससे तो अच्छा आप घर पे रह जाते, आप यहां क्या आए? पति का उत्तर ये होगा शायद कि तुम यहां क्यों आई, क्या दूसरों को देखने के लिए? प्राय एक होता है कि जब भी दूसरे से मिलते हैं चाहे धर्म स्थान हो कहीं हो हमारा ध्यान किस पे जाता है? तो भाई लोग बोल रहे हैं कौन पे? मैंने एक महिला को भी देखा है, इंडिया की बात है, यहां की भी ऐसी बात होगी, और उसको कहते हैं कि कोई भी वो ज्वेलरी लाती नई खरीद के लाती नई डिजाइन की होती और पहनती को इसको पूछ लेता कि तुमने कहां से खरीदी तो बताती नहीं थी। यही मैंने पूछा तू बताती क्यों नहीं है, यदि कोई पूछता है कोई चाहता तो बताती क्यों नहीं? तो उसने कहा नहीं नहीं समझी जी फिर मेरी डिजाइन पूरा नहीं हो जाएगी। तो कितना अट्रैक्शन होता है, कितना आकर्षण होता है। तो प्रश्न है, मेरा कहने का मतलब है कि संवेग हो जितना आकर्षण बाहरी पुद्गलों के प्रति है उतना आकर्षण क्या स्वभाव के प्रति है? जब तक स्वभाव के प्रति आकर्षण नहीं होगा और विभाव के प्रति विकर्षण नहीं होगा, जब तक पर पदार्थ के प्रति विकर्षण नहीं होगा और स्वयं के प्रति वैराग्य पैदा नहीं होगा तब तक सही संवेद नहीं, सही मोक्ष की अभिलाषा नहीं। बातों में हम कहते हैं कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे कर्मों को काटना है, लेकिन हम स्वयं का लेखा जोखा करें कि मेरा आकर्षण कहां। दो शब्द है राग और विराग और दोनों का आधार अलग अलग है, दोनों का किनारा अलग अलग है। जिसके प्रति राग है यानी पर पदार्थ के प्रति राग है तो स्वभाव के प्रति विराग होगा, और यदि स्वर के प्रति राग है तो पदार्थ के प्रति विराग होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दूसरे पर पदार्थ के प्रति भी राग और स्वयं के प्रति भी राग, क्या अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ रह सकते हैं? क्या वैराग्य और राग दोनों एक साथ रह सकते हैं? एक न्याय में एक ही तलवार आ सकती है, दो तलवार नहीं। बंधुओं पर्युषण पर्व हमें एक सतर्क करता है, प्रेरणा देता है
जीवन जिए तो ऐसा संवेग पैदा करे भीतर में, ऐसा वेग पैदा करे कि मैं कौन, मैं आत्मा हूं। और मेरी आत्मा जो है दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा, कर्मों की जंजीरों से जकड़ी हुई मेरी आत्मा, और उस आत्मा को उन कर्म जंजीरों से मुक्त करके मुझे एक दिन सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना है। हमारे में ताकत है, हर आत्मा में ताकत है, यदि इस रियलिटी को समझ ले और उस संवेद को पैदा कर ले, उस वेग को पैदा कर ले, मोक्ष के प्रति तीव्र अभिलाषा को पैदा कर ले, आकांक्षा को पैदा कर ले, तो वह दिन दूर नहीं कि जिस दिन हम अपनी मंजिल को प्राप्त न कर सके। अपेक्षा है उस गीत को गुनगुनाने की, असली सुख पासी मारी आत्मा एकाकी पन में, असली सुख पासी मारी आत्मा एकाकी पन में, जठे कठे भी हैं
क्या अकेले में लड़ाई होती है? एक से दो तो चाहिए, यदि बात सुनने के लिए भी दो चाहिए, और ना सुने तो भी दुख, और सुने तो भी दुख, तो सारा संघर्ष तो वही है। और पंक्तियों में बड़े सरल ढंग से समझाया गया है, ज्यादा विश्लेषण करने की अपेक्षा भी नहीं है। छोटी सी बात एक हाथ सियो कद बाजी ताली, छोटी सी बात एक हाथ सियो कद बाजी ताली, अनुभव रे काज श्री नमिराज ने यो उदाहरण, असली सुख पासी मारी सरे
प्राचीन क्या